आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें एक फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट गिवन है, साथ में उसके आउटपुट और इनपुट वेव्स गिवन है, और हमसे पूछा गया है कि हमें ये बताना है कि डायोड D1 से पास होने वाले हमारे कौन से आउटपुट वेव्स हैं। ए है, बी है, सी है या फिर डी है। तो ये बताने के लिए सबसे पहले तो हमें वर्किंग समझनी पड़ेगी हमारे फुल वेव रेक्टिफायर की। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, ये हमारा ए है इनपुट वेव, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ये हमारा पॉजिटिव इनपुट वेव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये वाला क्या है हमारा नेगेटिव। अब हम अपना ये सर्किट देखते हैं फुल वेव रेक्टिफायर का और इसके कंपोनेंट्स के बारे में जानते हैं। ये हमारा इनपुट लिखा है, तो यहाँ से हमारा क्या होता है, इनपुट जो वेव है हमारी एसी, इसको हम इससे इनपुट करते हैं और यहाँ से हमें हमारा आउटपुट मिलता है। ये हमारा क्या कहलाता है, प्राइमरी कॉइल ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर। ये होता है हमारा प्राइमरी कॉइल और ये होता है हमारा क्या, सेकेंडरी कॉइल। इस फुल वेव रेक्टिफायर में हमारे दो डायोड्स होते हैं, एक होता है हमारा डायोड D1 और एक होता है हमारा D2। तो और इसमें हमारे दो एंड्स होते हैं, एक ए बी, ये होता है सी और ये डी। अब हम इसकी वर्किंग समझते हैं, कंपोनेंट्स हमने समझ लिए हैं सारे, ठीक है। तो हमारी वर्किंग में क्या होता है कि हमने यहाँ से ए सी इनपुट किया अपना, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल है सबसे पहले हमारे पास, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमारा जो एंड ए है ये पॉजिटिव होता है और एंड बी क्या होता है, नेगेटिव। इसी वजह से म्यूचुअल इंडक्शन होती है जो हमारी ये हो रही है, जिस वजह से हमारा जो सी एंड है वो प्लस होता है और डी नेगेटिव होता है। सी प्लस होने की वजह से हमारा जो डायोड D1 है ये किस पे आ जाता है, फॉरवर्ड बायस पे, और जो हमारा डायोड D2 है ये आ जाता है किस पे, रिवर्स बायस पे। इसी वजह से हमारा करंट फ्लो करता है और जो हमारी आउटपुट वेव हमें मिलती है वो D1 की वजह से मिलती है। किस वजह से, D1 की, क्योंकि D1 हमारा फॉरवर्ड बायस पे और D2 रिवर्स पे, तो D2 में तो करंट फ्लो करेगा नहीं, इसलिए D1 से हमें A मिलता है हमारा, क्या, D1 से A मिला। ये किससे मिले हमें, D1 से। अब हम आते हैं दूसरी नेगेटिव वाले आउटपुट पे। अब हमने नेगेटिव साइकिल में अपना नेगेटिव इनपुट किया तो हमारा जो ए होगा वो नेगेटिव हो जाएगा और बी होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। फिर हमारी म्यूचुअल इंडक्शन होगी तो सी हमारा नेगेटिव हो जाएगा और डी पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसमें हमारा डी पॉजिटिव है, इस वजह से जो हमारा डायोड D2 है ये किस पे आ गया है, फॉरवर्ड बायस पे, और जो हमारा D1 है ये आ गया है हमारा क्या, रिवर्स बायस पे। तो करंट जो है हमारा वो सर्किट में फ्लो करेगा, बट इस बार नेगेटिव हाफ साइकिल में जो हमारा करंट फ्लो करेगा वो D2 की वजह से करेगा, किसकी, D2 की वजह से। तो जो हमारी वेव बी हमें आउटपुट में मिली ये हमें D2 की वजह से मिली। फिर हम आते हैं सी वेव पे, ये फिर से हमारी पॉजिटिव हाफ साइकिल है, तो फिर से हमारा ए पॉजिटिव होगा और बी नेगेटिव होगा, म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से सी पॉजिटिव होगा और डी नेगेटिव होगा। अब हमारा सी क्या है, पॉजिटिव है, तो डायोड D1 क्या होगा हमारा, फॉरवर्ड बायस पे होगा और डायोड D2 क्या होगा हमारा, रिवर्स बायस पे होगा। इसीलिए हमारा करंट फिर फ्लो करेगा सर्किट में, बट D1 डायोड की वजह से हमारा आउटपुट सी ऑब्टेन होगा, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे डी वेव पे अपनी, ये हमारी नेगेटिव हाफ साइकिल है, तो नेगेटिव में अब हम देखेंगे कि हमारा जो एंड ए होता है ये क्या होता है, नेगेटिव, और बी क्या होता है, पॉजिटिव। म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से जो हमारा सी है वो नेगेटिव होता है और डी हमारा पॉजिटिव होता है, जिस वजह से जो हमारा डायोड D2 है ये फॉरवर्ड बायस पे हो जाता है और D1 किस पे हो जाता है, रिवर्स बायस पे, ठीक है। इसलिए हमारा सर्किट, हमारे सर्किट में करंट फ्लो करता है बट किसकी वजह से,
T2 की वजह से। इसीलिए हमें जो हमारा नेक्स्ट वेव है D, ये हमें किसकी वजह से मिलता है? डायोड T2 की वजह से। तो ये हो गई हमारी वर्किंग। अब हम दोबारा अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। इसमें हमसे पूछा है कि हमें बताना है कौन सी वेव हमें डायोड D1 से मिली। तो जैसा कि हम हमारे आउटपुट में देख सकते हैं, डायोड D1 से वेव मिलने वाली वेव हमारी कौन सी है? A है और C है। यही देखना। अब हम हमारे ऑप्शंस में आते हैं। तो हमारे वेव कौन सी है? A और C। तो जो हमारा B ऑप्शन है, ये हमारे आंसर से मैच कर रहा है, तो ये हमारा सही आंसर है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।